ओके तो एक बार फिर आप सभी का जेपीएस मैथ्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि आज का क्लास जो है बिल्कुल दिलचस्प होने वाली है, और क्यूब जो है हम बिल्कुल एक झटके में कैसे निकालते हैं वो जो आज हम सीखने वाले हैं। हमने स्क्वायर क्लास लगभग कम्प्लीट कर दिया है, और उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करना होगा जेपीएस मैथ्स क्लास है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। फिलहाल जो है हम यहाँ पर चलते हैं, क्यूब सीखते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं और एक ही सेकंड में एक ही झटके में कैसे निकाल देते हैं, वो चीज हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि जब यूनिट डिजिट 1 रहे और 10th डिजिट कुछ भी अंक रहे, कोई भी अंक रहे, कोई भी यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर 1 होने वाला है, और उसमें कहिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगले क्लास में होगा। पार्ट 1 इसमें तो मैंने लिया है जब यूनिट डिजिट 1 रहे और 10 डिजिट कुछ भी रहे, और दूसरा टाइप लिया है जब 10 डिजिट 1 रहे और 1 डिजिट जो यूनिट डिजिट जो है कुछ भी रहे, उसका लिया है। तो सबसे पहले यहाँ ये पहला टाइप जो देख लेते हैं फर्स्ट, इसको कैसे निकालते हैं क्यूब एक झटके में उसको देखने वाला है। देखिए 2 का क्यूब पहले लिखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8, उसके बाद 2 का एक्स वाई 4, पहले 2 का क्यूब लिखते हैं उसके बाद 2 का एक्स वाई लिखते हैं, उसके बाद जो अंक दिख रहा है बगल में वही लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब हो गया, 2 का एक्स वाई होगा, बगल में 21 है तो 2 और यहाँ 21। अब क्या करते हैं, एक ही काम करना है, एक ही झटके में हो जाएगा। दोनों लेफ्ट साइड और राइट से दोनों तरफ के अंक को छोड़ देना है, बीच वाला मिडिल वाला जो दिख रहा है दोनों अंक दोनों डिजिट इन दोनों का डबल करके जोड़ देना है। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, बस ऐड कर देना है, आपका आंसर हो गया। देखिए एक ही झटके में आपका आंसर हो गया, देख रहे हैं, बस किनारे वाले को छोड़ देना है, मिडिल वाले का डबल करके जोड़ देना है, आपका आंसर क्लियर हो गया। देखिए यहां पर इसको वैसे ही करेंगे, 4 का क्यूब 64, 4 का एक्स स्क्वायर 16, 41 है तो 4 और 1 दोनों किनारे वाले इसको और इसको छोड़ देना है, मिडिल वाले को डबल कर देना है, मिडिल वाले का डबल कर दिए, 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, ऐड करिए 1, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 12 का 2 1 कैरी, इसको ऐड करेंगे तो 48 और 1 49, 4 कैरी, 64 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 68, और यही रहा आपका आंसर। देखिए एक ही झटके में कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर है 51, यहाँ पर 51 है, इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, देखिए 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 5 और है तो 5 और 1 किनारे वाले को इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, मिडिल वाले का डबल 25 का डबल 50 और 5 का डबल 10 ऐड कर दीजिए, यहाँ 1 के सामने 1, 10 और 5 15, 1 कैरी, मतलब ऐड करने का तरीका भी है, ये साथ में ऐड करना है, ये भी साथ में ऐड करना है, ये नहीं कि 5 के सामने 5 और फिर बाद में 5 और 2 जोड़ेंगे गलत हो जाएगा, साथ में ऐड किया जाता है 10 और 5 15, 1 कैरी 25 और 50 75, 75 और 1 76, 7 कैरी 7 यहाँ पर अगले स्टेप में ले लेंगे कैरी के रूप में, 125 में 7 ऐड करेंगे तो 132, और यही आपका देखिए आंसर, देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है। ये फर्स्ट टाइप आपका क्लियर हो गया, आप देखिए सेकंड टाइप क्या है, इसमें क्या करना है, पहले 1 दिख रहा है तो 1 लिखिए, 3 दिख रहा है तो 3 लिखिए, उसके बाद क्या करिए कि 3 का एक्स वायर, 3 का एक्स वायर 9, उसके बाद 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, हमने क्या किया यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ 3 का क्यूब लिखा है, अब सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस ऊपर था वही प्रोसेस नीचे, किनारे वाले को जो साइड में दिख रहा है लेफ्ट और राइट को छोड़ देना है, मिडिल वाले अंक का डबल करके जोड़ देना है, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, अब सिंपल ऐड कर दीजिए 27 का 7, 2 कैरी, यहाँ से 2 कैरी हो गया, 27 का 7, 2 कैरी, अगले स्टेप में जोड़ेंगे, देखिए साथ में ऐड किया जाता है सब, चाहे कितना हो बड़ा डिजिट दो साथ में ऐड करना है, 18 और 9, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 2 कैरी, 2 कैरी अगले स्टेप में, 6 और 3 9, 9 और 2 11 का 1, 1 कैरी, 1 1 1 मिलकर 2, और ये भी आपका रहा, देखिए आंसर एक ही झटके में हो गया। यहाँ देखिए 1 है तो 1, 4 है तो 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, किनारे वाले में छोड़ देंगे मिडिल वाला का डबल करके, 16 का डबल 32 ऐड करिए, 64 का 4 6 कैरी, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 48, दोनों को ऐड करेंगे तो 48 और 6 54,
54 हुआ और इसके बाद 5 कैरी यहां से, 8 और 4 कितना हुआ 12 और 5 17, 71 कैरी, 1 मिलकर 2, देखिए एक ही झटके में हो गया आपका आंसर 27, 44। यहां आइए 12 का लेना है, 12 का क्यों निकालना है, देखिए कैसे निकला है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, मिडिल वाले को डबल करके 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 ऐड करिए आंसर, 8 के सामने 8, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 1 7, बगल में 1 है तो 1, और यही आपका रहा आंसर। देख रहे हैं कितना एक ही झटके में आपका आंसर हो जा रहा है, तो ये मेरा ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आपको क्यूब निकालने का। इसी तरह स्क्वायर निकालने का मैंने बताया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ये ट्रिक मेरा अगर रियली में अगर आपको पसंद आया हो मेरा टेक्निक, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।